नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्तार, आप देख रहे हैं कैसा सारस न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के भूतनाथ मार्केट में, जो बहुत ही अच्छा मार्केट है। लखनऊ का बहुत जाना पहचाना मार्केट है। यहाँ मेट्रो से आने जाने की सुविधा है, रोड से भी आ सकते हैं आप, और यहाँ पर हर तरीके की चीज़ें उपलब्ध हैं। बहुत शानदार मार्केट है। इसी मार्केट में हम आए हैं। भगवान बजरंग मुनि का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। देख सकते हैं कि अभी हम इस मार्केट के बजरंगबली मंदिर में हैं और अभी प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ बजरंगबली ही नहीं, और भी तमाम देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, और बहुत ही यहाँ का प्रतिष्ठित और धार्मिक मंदिर है। आप देख सकते हैं मेरे सामने बाबा बजरंगबली की प्रतिमा है। जैसे ही गेट में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई देती है, और हनुमान जी के ठीक सामने भगवान भोलेनाथ की भी प्रतिमा है, महादेव की भी प्रतिमा है। और सीधे आगे बढ़ते हैं, जब मंदिर के अंदर प्रांगण में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले हमारे बजरंगबली के बाद हमें दर्शन होते हैं भगवान भोलेनाथ के। शिव परिवार का ही मंदिर है यहाँ पर, देख सकते हैं। इसी मंदिर में भगवान भोलेनाथ का परिवार भी है, महादेव, महागौरी, भगवान महागणेश, भगवान कार्तिकेय, महादेव का ज्योतिर्लिंग यहाँ मौजूद है। बहुत ही सुंदर अलौकिक है। इस मंदिर में आगे प्रवेश करें तो हमें यहाँ दिखाई देती है माँ बगलामुखी, पीताम्बरा माई विजयदात्री माता, माँ बगलामुखी का प्रसिद्ध मंदिर। जैसा कि हम आपको बता दें कि बगलामुखी माता का जो सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ये भारतवर्ष में, वो है दतिया जिला मध्य प्रदेश में, जहाँ आज के दिन यानी शनिवार के दिन विशेष रूप से लाखों भक्तों का तांता लगता है और लोग अपनी मुरादें पूरे करके झोली भर के जाते हैं। वहीं धुआंमती माई का भी मंदिर है, जो इकलौता मंदिर है पूरे भारतवर्ष में। आप देख सकते हैं माता का मंदिर है। यहाँ से हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं, दर्शन करने को मिलते हैं कामाख्या देवी के। जी हाँ दोस्तों, कामाख्या माता के दर्शन भी करने को मिलते हैं। सुंदर मंदिर है, अच्छी प्रतिमा है माँ कामाख्या देवी की। कामाख्या देवी माता के भी दर्शन कराते हुए और अंदर गुरुदेव जी की ही प्रतिमा विराजमान है कामाख्या मंदिर में। चलिए अब लेके चलते हैं और कौन कौन से यहाँ देवी देवताओं के मंदिर मौजूद हैं। बड़ा ही भव्य शानदार मंदिर है। लोग चुनरी चढ़ाते हैं यहाँ पर, अपनी मुरादें लेके आते हैं, और निश्चित रूप से अपने सच्चे मुराद देवी हो, देवता हो, कोई भी हो, वो सभी पूरी करते हैं। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं कामाख्या मंदिर के पीछे की ओर आते हैं, तो हमको त्रिपुर सुंदरी माता के दर्शन होते हैं। देख सकते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी का भी भव्य मंदिर यहाँ मौजूद है। चलिए हम आपको त्रिपुर सुंदरी माता के बाद आगे दर्शन कराते हैं माँ काली के। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर माँ भगवती माँ काली के भव्य मंदिर है। श्री माता काली के दर्शन करके हमने भैरव बाबा का भी मंदिर देखा। कहा जाता है माँ शक्ति के दर्शन कभी होते हैं जब भैरव बाबा का भी दर्शन करने को मिले। तो आप देख सकते हैं भगवान भैरवनाथ जी भी बहुत सुंदर अपनी मंदिर प्रांगण में यहाँ पर बनाती हैं और सत्ता भाव बढ़ाती है। भव्य मंदिर जो मंदिर में मौजूद है, और ये देख सकते हैं माँ दुर्गा जी का देख सकते हैं। ये खूबसूरत माँ भगवती माँ दुर्गे की माँ गौरी की प्रतिमा है। चलिए अब आगे लेके चलते हैं। यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं भगवान बजरंगबली के मंदिर की ओर। दोस्तों, ये भगवान भूतनाथ मार्केट के भगवान बजरंगबली और प्राचीन मंदिर है। देख सकते हैं यहाँ बजरंगबली की जो
प्रतिमा है लगभग 6 फुट से 7 फुट 8 फुट के बीच प्रतिमा का आकार है। अगर हम स्टिक पोज में आपको दिखाएं तो ये बड़ी भव्य प्रतिमा है बजरंगी भगवान की, और निश्चित रूप से संकट मोचक हनुमान इस कलयुग के सबसे महावीर हनुमान हैं, जो लोगों की मुरादें पूरी करते हैं, लोगों को संकटों से उबारते हैं। बगल में ही पंचमुखी बालाजी की फोटो लगी हुई है, और यहाँ पर प्रतिदिन भक्तों का तांता लगा रहता है, हजारों की तादाद में यहाँ भक्त आते हैं। लेकिन विशेषकर ये जेठ का महीना चल रहा है, जेठ के महीने में बजरंग बली का एक बड़े मंगल जो पड़ते हैं, बड़े ही विशेष दिन होते हैं, उस लिहाज से इस समय जेठ का महीना चल रहा है। और निश्चित रूप से जेठ के महीने में मंगल हो या शनिवार हो, भक्तों का कुछ ज़्यादा ही तांता लगता है। और निश्चित रूप से भगवान बजरंग बली को लेकर जो श्रद्धा भाव है यहाँ देखते बनता है। लखनऊ जो क्षेत्र है वहाँ पर बड़े मंगल में गवर्नमेंट हॉलीडे तक दिया जाता है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कितना बड़ा प्रभाव है। बजरंग के पास देखिए आप भगवान गणेश गणेश की प्रतिमा लगाई गई है, बहुत खूबसूरत प्रतिमा है। गणेश जी जो शुभ फलदायक है, लंबोदायक है, करता है, ये देख सकते हैं वहाँ गौरी की प्रतिमा लगी हुई जो बहुत ये माता लगी हुई है, देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु अभी मौजूद हैं, शिवलिंग भी है। दोस्तों जैसे ही इस मंदिर में भूतनाथ वाले बजरंग बली भगवान मंदिर में जब प्रवेश करते हैं, मंदिर के बाहर दूसरी ओर निकलते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पतंजलि योगशाला भी बनी हुई है। बड़ा भव्य मंदिर है, अंदर की साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल मंदिर ही नहीं, मंदिर के आसपास सुंदर वन उपवन भी बनाए गए हैं, गार्डन भी बनाए गए हैं, रहने के लिए पुजारियों के लिए व्यवस्थाएँ भी की गई हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पर एक सुंदर सी यज्ञशाला भी बनाई गई है, जहाँ पर तमाम यज्ञ हवन आदि संपन्न कराए जाते हैं, और बहुत ही अलौकिक और बहुत ही आधुनिकताओं की आवश्यकताओं से भरा हुआ मंदिर है। आप देख सकते हैं जनरेटर की सुविधा है, यानी कि बिजली का बैकअप है, एयर कंडीशन रूम्स हैं रुकने के लिए, गुजारी वगैरह के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर साफ़ सफाई, स्वच्छता का तो क्या कहना, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में इस मंदिर के आलौकिकता को बढ़ाते हैं। चलिए अब आगे लेके चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों इस भव्य मंदिर में ही एक बड़ी भव्य समाधि स्थल है परम पूज्य गुरुदेव भगवान का, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी, उनका ये समाधि स्थल है, और बड़ा ही सुंदर तरीके से उसको बनाया और संवारा गया है। देख सकते हैं सामने ही भगवान गुरुदेव जी की प्रतिमा है, जिनके माध्यम से, जिनके कर कमलों से, जिनके चरण मंदिर का स्थापना की गई थी, ये उनकी समाधि है भगवान गुरुदेव की, जहाँ एक अखंड ज्योति हमेशा चलती रहती है, प्रज्वलित रहती है, भगवान गुरुदेव की प्रतिमा है। इधर बगल में ही देखेंगे एक और भगवान गुरुदेव की प्रतिमा है, जिनका समाधि स्थल भी है यहाँ पर मौजूद, और देख सकते हैं इनकी भी समाधि है यहाँ, यहाँ भी एक अखंड ज्योत निरंतर चलती रहती है, सामने गुरुदेव जी की अलौकिक प्रतिमा है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का जो देख रेख है वो अपने आप में एक नंबर का है, बिल्कुल सुविधाजनक है, बहुत अच्छा है, और शांत प्रिय माहौल है भक्तों के लिए, आकर्षण और भक्ति के लिए बहुत अच्छा शांति प्रिय माहौल है यहाँ पर। तो दोस्तों ये था भूतनाथ मंदिर का एक बहुत ही सुंदर, भूतनाथ मार्केट जो लखनऊ का अपने आप में एक रिहायशी मार्केट है, बहुत ही महंगा मार्केट और बहुत ही अच्छा मार्केट है। यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं वो अपने आप में बड़ी ही क्लासिक मिलती हैं, और उस मार्केट में ये बना हनुमान जी का और तमाम देवी देवताओं का ये भव्य मंदिर अपने आप में बड़ा ही क्लासिक मंदिर है, बहुत ही सुंदर, शांत प्रिय, साफ स्वच्छ, और भक्तों के लिए बहुत ही विशेष मंदिर है। तो हमारे द्वारा ये दिखाया गया मंदिर आपको कैसा भारत उस पर कैसा लगा, हमें अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं आपका दोस्त मृदुल सारस्वत लेकर चलता हूँ फिर नए ऐसे ही ऐतिहासिक, ऐसे ही खूबसूरत स्थान पर। तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय भारत।